हेलो गाइस, मेरा नाम है नितिन और मैं बनाता रहता हूँ इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन बच्चों के बारे में जो पढ़ पढ़ के थक गए, जिनको समझ में नहीं आ रहा है पढ़ाई कैसे करें, जिनको पता नहीं है कितना सेक्शन पढ़े, तो उसका हल मैंने निकाल दिया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। और दोस्तों, जिन बच्चों की बुक्स नहीं आए उनको मैं बता देता हूँ कि 150 रुपये में 5 बुक आपको किस तरह मिलेगी। जी हाँ, जिन बच्चों की बुक्स नहीं आई है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, आज से शुरू करने जा रहा हूँ मैं 30 क्वेश्चन सीरीज़ के बारे में। बच्चों का बहुत सवाल थे कि सर जल्दी से जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए। दोस्तों, इसमें बताया गया है 15 क्वेश्चन 5 मार्क्स के और 15 क्वेश्चन 8 मार्क्स के, जो कि पिछले 10 साल के और आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सैम्पल पेपर वगैरह उससे मैंने पर्सनल निकाले हैं। मुझे टाइम लगा है 2 दिन का इसे निकालने के लिए। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं ऐसे ही धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, 30 क्वेश्चन आपको दूंगा जिसके अगर आपने पढ़ लिया तो आप 100% पास हो जाओगे। जी हाँ, 100% पास हो जाओगे, आप चाहे किसी भी फील्ड के हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप पर नोटिफिकेशन आती रहे। दोस्तों, बात करेंगे 15 मार्क्स को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो कि 5 मार्क्स के हैं। 8 मार्क्स का मैं सेकंड पार्ट लेके आऊँगा। दोस्तों, मैं सारे सब्जेक्ट का बनाऊँगा तो टेंशन मत लीजिए। तो दोस्तों, आपको मैं बताने जा रहा हूँ पहला क्वेश्चन के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ इम्पोजिशन ऑफ प्रेजिडेंट रूल इन अ स्टेट, यानी कि जो प्रेजिडेंट रूल जो लगता है, जब क्यों लगता है और उसका इफेक्ट क्या होता है स्टेट के ऊपर, आपको इसके बारे में बताना है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में। डिस्क्राइब ऑफ द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रीजनल पोलिटिकल पार्टी। जी, रीजनल पोलिटिकल पार्टी जो होती है, जैसे आपका BSP हो गया और समाजवादी पार्टी हो गया, उसका रोल क्या रहता है पोलिटिकल पार्टी का आपके चुनाव में, ये आपको इसमें बताना है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, एक्सप्लेन 5 फीचर ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? हम 18 साल के बाद हम जो हमारे राइट्स बन जाते हैं उसे ह्यूमन राइट्स कहते हैं, जो हर व्यक्ति को देने होते हैं। तो दोस्तों, हम चौथे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। डिस्क्राइब द नेचर ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसमें 3-4 स्टार जो चाहिए वो लगा लीजिए, इंडिया एंड चाइना, या फिर आ सकता है इंडिया और पाकिस्तान। तो दोस्तों, इसको क्वेश्चन को पढ़िए। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड पावर ऑफ यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल। जो यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल होती है उसके बारे में बताना, उसकी पावर के बारे में बताना है कि वर्ल्ड है ना, यूनियन काउंसिल के द्वारा ही चलाया जाता है एक तरीके से, उसके बारे में बताना है। छठे क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। डिस्क्राइब द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाईलाइट द मेन फीचर। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेन चीज़ें हैं उसके बारे में बताना है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, फंडामेंटल राइट, इन बारे में बताना है आपको। सातवें क्वेश्चन की बात कर ले, डिस्क्राइब द मीनिंग एंड फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस, कि गुड गवर्नेंस होती क्या है, मतलब अच्छा कोई राज कर रहा है उसे गुड गवर्नेंस कहते हैं। तो हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन इंडियन पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। तो दोस्तों, नॉन अलाइनमेंट क्या होता है, आफ्टर वर्ल्ड वार क्या हुआ था, दो बड़ी बड़ी पावर सामने आई थी, रशिया और अमेरिका, उसमें बट गए थे वर्ल्ड दो हिस्से में। तो भारत ने नॉन अलाइनमेंट साइन करा था कि हम किसी की तरफ नहीं हैं, हम दोनों की तरफ हैं, न्यूट्रल हैं हम। तो अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, व्हाट इज़ गांधीज़म, एक्सप्लेन रोल एज अ क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, कि गांधीज़म क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है, हर बार पूछा जाता है, और कि गांधी जी ने कैसे क्रिटिकाइज करा था वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, जो कपड़े जलाए दिए गए थे उसको, उसके बारे में बात हो रही है कि गांधी जी कैसे वेस्टर्न सिविलाइजेशन के खिलाफ थे। दसवें क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, वाट इज मीन्ड बाई प्रेशर ग्रुप। जो प्रेशर ग्रुप होते हैं ना, उनके बारे में आप पता करिए, यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं प्रेशर ग्रुप के बारे में, उसमें काफ़ी सारी वीडियो बनी है। अगला क्वेश्चन, 11वें क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, एक्सप्लेन रिलीजनम एज अ चैलेंज टू इंडियन डेमोक्रेसी। भारत संविधान में, भारतीय ये राजनीति में धर्म क्या रोल निभाता है, ये आपको बताना है। ज़्यादातर धर्म ही निभाता है, आपको पता है। तो अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं, 12वां क्वेश्चन है, व्हाट इज कम्युनिज्म, कम्युनलाइजेशन होता क्या है, मतलब कम्युनलाइजेशन होता क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13वें क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज कास्ट, डिस्कस इट्स रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स। दोस्तों, आपको पता ही है कास्ट के बारे में, आप जानते हैं कि इंडियन पॉलिटिकल में इसका क्या रोल है, आप हर कोई लिख देगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन है। तो 14 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल आता है और जो जिसके ऊपर 3-4 चैप्टर हैं इसमें, व्हाट इज़ कोल्ड वार, कोल्ड वार क्या है, कोल्ड वार मैं आपको बता देता हूँ, रशिया और अमरीका के बीच में एक वार चल रही है जिसको हम कोल्ड वार कहते हैं। उसमें रशिया ने अपना एक अलग सिस्टम बना रखा है और अमेरिका ने अलग। आप इसका यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हैं, काफ़ी सारी वीडियो बनी हुई आ रही है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 8 मार्क्स में भी आ सकता है। लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, व्हाट इज सिविल सर्विस और मेन पर्पस ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी का फंक्शन क्या है, ये आपको लिखना है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो दोस्तों और एडमिट कार्ड वगैरह की प्रैक्टिकल की सारी वीडियो मेरे चैनल पर है, तो सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है, बाय बाय और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।